अभी तक आप लोगों ने कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में कृति देव फॉन्ट पर टॉप रो, होम रो, बॉटम रो और न्यूमरिक रो के बारे में जाना कि हिंदी का कौन सा लेटर मौजूद होता है और किस पर कौन सा फिंगर ले जाया जाता है। आप लोगों ने अगर टाइपिंग किया होगा तो उसमें देखे होंगे बहुत सारा लेटर ऐसा भी है जो कीपैड पर मौजूद नहीं है, यानी आप नॉर्मली टाइप करके नहीं ला सकते, उसके लिए आपको शॉर्टकट की चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन से लेटर के लिए क्या शॉर्टकट की लाना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी सारे शॉर्टकट की हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लिखना इजी हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लेने से क्या होगा कि आप याद करेंगे इसको, ठीक है। ये वाला हो गया और इसके बाद नेक्स्ट आपका ये वाला, ठीक है। ये दोनों, इस पर भी आपको हिंदी का कुछ लेटर है जिसको लाने के लिए शॉर्टकट की चाहिए, और इस पर भी हिंदी का कुछ बहुत सारा लेटर है जिसको लाने के लिए शॉर्टकट की चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि कौन कौन सा शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे आपके यहाँ से चांद बिंदु, देखिए चांद बिंदु के लिए क्या है कि अल्ट के साथ 0161 टाइप करेंगे, यानी ये जो चांद और इसके अलावा बिंदु है, नॉर्मली चांद तो आपको मिल जाता है कीपैड पर, लेकिन चांद के साथ अगर बिंदु लाना होता है तो शॉर्टकट की के जरिए ला सकते हैं। शॉर्टकट की के लिए आपको अल्ट के साथ 0161 यानी अल्ट के साथ 0161 टाइप करके ला सकते हैं। हालांकि कुछ शॉर्टकट की भी होता है और भी है, जैसे मान लीजिए जैसे आप इंसर्ट मेनू में सिंबल से ला सकते हैं, लेकिन सिंबल से जो लाएंगे उसमें टाइम लगेगा और टाइम लगेगा तो आप फास्ट टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए शॉर्टकट की याद करना होता है। फिर इसके बाद यहाँ से आधा त्र है, जैसे आपको यहाँ से त्र लिखना होता है, त्र तो आप नॉर्मली आप पूरा लिख सकते हैं लेकिन शॉर्टकट आधा चाहिए तो उसके लिए फिर शॉर्टकट की चाहिए, और शॉर्टकट क्या है, अल्ट के साथ 0171, अल्ट के साथ 0171। फिर आधा फ है, आपको पूरा फ लिख पाएंगे लेकिन आधा फ लिखना होगा तो अल्ट के साथ 0182। उसी तरह आपको क्या है, आपको ब्रैकेट देना होता है। बहुत बार हिंदी टाइपिंग करेंगे आप तो आपको ब्रैकेट में कुछ लिखना होता है, और ब्रैकेट देने के लिए क्या होगा कि अल्ट के साथ 0188 टाइप करें तो ओपन ब्रैकेट होगा, और अल्ट के साथ 0189 टाइप करेंगे तो क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये भी ब्रैकेट है, अल्ट के साथ 0192 ये टाइप करेंगे तो क्लोज ब्रैकेट है, और इस जगह पे अल्ट के साथ 0191 टाइप करेंगे तो आपका ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, ये ओपन और ये क्लोज, ठीक है। इस तरह से और भी है बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपको ये लिखना होगा तो ये लिखने के लिए तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, और इसके ऊपर शिफ्ट के साथ जब जेड टाइप करेंगे तो राकी मात्रा आएगा, लेकिन ये दो लेटर टाइप करेंगे तो आएगा, उससे बेटर होगा कि आप अल्ट के साथ 0195 टाइप कर ले, ठीक है। इक्वल टू जरूरत पड़ता है तो अल्ट के साथ 0190, ठीक है। इसके अलावा कृषि लिखना होता है, कृपा लिखना होता है तो ये कॉक के नीचे इस तरह से रॉल लगाएंगे तो अल्ट के साथ 0209 टाइप करेंगे, ठीक है, अल्ट के साथ 0209 टाइप करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारा लेटर है, जैसे कि आपको यहाँ से भ है, ठीक है, तो भ आपको पता है कि आधा भ लिखा जाता है और के प्रेस करके पूरा करना होता है, लेकिन अगर शॉर्टकट की याद है तो अल्ट के साथ 0210 है ना, अल्ट के साथ क्या करना है 0210 टाइप करेंगे तो आप कंप्लीट भ लिख पाएंगे। और भी इसमें भी बहुत सारा है, जैसे कि आपको क्र लिखना होता है तो ये कभी कभी देखिएगा टाइपिंग में डिस्टर्ब करता है, क लिखिएगा और जब ये जेड टाइप करेंगे तो ये यहाँ से निकलता है, ठीक है, जबकि ये ऐसा नहीं चाहिए होता, ये ऐसा चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं अल्ट के साथ 0216 टाइप करेंगे। फिर इसके अलावा जैसे सत्ता लिखे तो सौ में तो ऐसे लगाते ना तो इसके बाद क्या बनता है सत्ता बनता है, तो इस तरह से आधा तो लाने के लिए क्या करना होता है अल्ट के साथ 0217 टाइप करेंगे। इसके अलावा शक्ति, बहुत लोग शक्ति ऐसा करके भी लिखते हैं, इस तरह से दिया हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से दिया रहता है शक्ति, ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है कि ये अगर लेटर लाना होगा तो अल्ट के साथ 0228 टाइप करेंगे। इसके अलावा और भी जैसे धक्का लिखेंगे तो क में क संयुक्त होता है ना, क लिखने के बाद क संयुक्त होता है, तो इस तरह से अल्ट के साथ 0244। और भी ढेर सारा लेटर मिलेगा, ठीक है, इन सब सारे को शॉर्टकट की ले ही लिए होंगे उम्मीद है, और ये जब सारा याद हो जाएगा तो उम्मीद है आप हिंदी टाइपिंग भी तेज़ी से कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता होगा टाइपिंग में, स्पीड अगर कम करता होगा तो ये है शॉर्टकट की। जब सारा लेटर आपको मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि आप कहीं भी स्पीड में कमी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये सब याद ना हो तो तभी आपको टेंशन होगा कि ये आएगा कैसे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।